अबे किसके यहाँ कंजक हो रही है बता दो कोई। अभी ये भास्कर यहाँ क्या कर रहा है? अरे भास्कर तू यहाँ क्या कर रहा है? घर में खाली बैठा था, सोचा बाहर जाके घूम लूं भैंस की। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, कटिंग कराने जा रहा था। अच्छा, अरे कंजक हो रही है। ये तू प्लेट लेकर घूम रहा है? ये प्लेट लेकर कटिंग कराने कौन जाता भैंस की? हाँ ठीक है, ये पता कितने रुपए इकट्ठे कर लिए? अब ये वाली कंजक मिला के 150 रुपए हो जाएंगे भैंस की। है मोटा पैसा छाप रहा है? अबे मोटा पैसा बाद में छापे, पहले जल्दी कंजक में चल, नहीं तो खत्म हो जाएगी भैंस की। हाँ चल। अरे दो लड़कियाँ कम पड़ रही हैं बस। अबे जल्दी चल, कंजक खत्म हो जाएगी। हाँ चल चल चल। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे आंटी कंजक हो रही है तो कंजक खाने आए हैं भैंस की। हाँ बेटा, कंजक के लिए प्लेट कुछ ज्यादा छोटी नहीं लिया? ओह नो। अरे आंटी पूरी सब्जी तो छोटी वाली में डाल देना, पैसे बड़ी वाली में डाल देना भैंस की। चुप करो, कंजक लड़कियों के लिए होती है, लड़कों के लिए नहीं। आंटी भूलो मत, कंजक में लंगूर भी बैठते हैं। कंजक में लंगूर बैठते हैं? बंदर नहीं, निकलो यहाँ से, वैसी दो लड़कियाँ कम पड़ रही हैं। यार भास्कर, इन आंटी ने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी। अबे बेइज्जती के लिए इज्जत भी चाहिए होती है, हमारी है नहीं तो हमारी कहाँ हुई बेइज्जती, उसी की हुई। हाँ चल कहीं और ट्राई करते हैं। अबे पागल है वो चुगली आंटी, एक कन्या को 50 रुपए देती है भैंस की। 50 रुपए? एक मिनट, वो चुगली आंटी कह रही थी ना कि उसके दो कन्या कम पड़ रही हैं भैंस की। हाँ लेकिन हम कन्या थोड़ी ना है। आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते भैंस की। नमस्ते नमस्ते। आंटी सुना है आपके दो कन्या कम पड़ रही हैं? हाँ आपको कैसे पता चला? आपने ही तो बताया था भैंस की। क्या आंटी, वो हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। हाँ आइए 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 आइए। हाँ बैठिए बैठिए। भास्कर तेरी बनियान दिख रही है। उप्स भैंस की, बेटियों कुछ चाहिए हो तो मांग लेना। हाँ आंटी पैसे। क्या वो कह रहा है, कह रही है कि कैसे कैसे हो आप? हाँ अच्छी हूँ, खा लो तू चुप रहा करना। अबे यहाँ पूरी सब्जी थोड़ी ना खाने आए भैंस की, पैसे लेते हैं और दूसरे घर चलते हैं भैंस की। हाँ क्या हुआ? हाँ। मम्मी। ओह नो। आंटी भैंस की मुंह छुपा ले मुंह। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे वो मैंने कंजक करी थी तो दो कन्याएं कम पड़ रही है, तुम्हारे पास है क्या? हाँ इनको ले जाना, मेरा पास हो गया। मेरी चुप बहुत है भैंस की। ये थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अरे बेचारी झुग्गी झोपड़ी वाली है। चलो कोई बात नहीं, कन्या मेरे घर आ जाना, मेरा घर है साइड वाला है। अरे तुम्हें कैसे पता? आंटी वहीं तो। ये पागल की कमीनी। मम्मी वो आंटी, हमने आपको वहीं देखा है। चलो आ जाना। आंटी पैसे दोगी तो क्यों नहीं आएंगे भैंस की? कुछ नहीं कुछ नहीं, हम आ जाएंगे। आंटी आंटी पैसे दो जल्दी, और कहीं और भी जाना है। हाँ देती हूँ। भास्कर मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, मम्मी ने पकड़ लिया तो। अबे नहीं पहचान पाएंगी, जब लक्ष्मी खुद आ रही है तो क्यों मना करे भैंस की। अबे वो लक्ष्मी नहीं मेरी मम्मी है। हाँ ठीक है चल। बैठ जाओ बेटी बैठ जाओ। आंटी 50 रुपए तो दे ही देगी भैंस की। अरे कहाँ रह गए? अरे वाह आ गई कन्या। ओह नो। एक तो ये लड़का किसी काम का नहीं, एक घंटे से गया हुआ है नारियल लेने, अभी तक नहीं आया। पक्का उसका दोस्त लफंडर भास्कर मिल गया होगा। चुप बे। रुको मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ पैसे भी ले आना भैंस की। बेटी मुझे लगता है तुम पूरे घर का खाना लेने आई हो। ओह नो। अरे लगता है पकड़ा गया। ये नौरातों में प्याज वाली चौमिन कौन लेकर आया? अरे मैं नहीं लेकर आया, ध्रुव लेकर आया होगा। ए मैं कब लेकर आया? ओ ये तो लड़का है, धोखा भैंस की। पापा झूठ क्यों बोल रहे, मैं कब लेकर आया? अरे ये नहीं, इसका दोस्त लेकर आया था। ओ अंकल मैं कब लाया भैंस की? सॉरी मैडम। तुम तीनों ने इतना बड़ा धोखा दिया, निकल जाओ मेरे घर से। ओ मेरी टोपी भी ऐस की। स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट। बच्चों आज सुबह से लोगों को कितना लूटा। ध्रुव बेटा पापा को आधा नहीं दोगे? घंटा। भास्कर बेटा तुम तो अंकल को आधा दोगे, मुंह सर ले लो अंकल। सालो आधा तो लूंगा।